हेलो किड्स, वेलकम बैक। आई एम वंदना एंड वी आर लर्निंग एसएससी ऑफ क्लास टू। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 15 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज रूल्स ऑफ द रोड। सो यस, देर आर सम रूल्स वी शुड फॉलो व्हेन वी वॉक ऑन रोड। सो व्हाट आर दे, लेट्स रीड हियर। देर आर अ लॉट ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड। रोड पे आपने देखा होगा बहुत सारे व्हीकल्स होते हैं। यू मे गेट हर्ट और मीट विथ एन एक्सीडेंट। तो क्या होता है कि बहुत सारी जो व्हीकल्स हैं रोड पे चलती रहती है, तो कई बार हो सकता है हमें चोट लग जाए या फिर हमारा एक्सीडेंट हो जाए। मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट्स अकर ड्यू टू केयरलेसनेस। और ज़्यादातर जो एक्सीडेंट होते हैं वो क्यों होते हैं, जो सामने वाला इंसान है वो केयरलेस होता है। केयरलेस मीन्स ध्यान नहीं रखता है जब वो ड्राइव कर रहा है। और अगर ऐसा कुछ हुआ तो ऑब्वियसली आपका एक्सीडेंट होना ही है। देर आर सम रूल्स ऑफ द रोड टू फॉलो स्ट्रिक्टली। तो बहुत सारे कुछ ऐसे रूल्स हैं रोड के जिन्हें हमें फॉलो करना ज़रूरी है। रूल्स ऑफ द रोड कौन कौन से रूल्स हैं। फर्स्ट वन इज ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ। तो फुटपाथ पे ही चले। इफ देयर इज नो फुटपाथ, वॉक ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड। अगर आपके रोड के किनारे फुटपाथ है तो वहाँ चले, और अगर फुटपाथ नहीं है तो आपको रोड के लेफ्ट साइड से जाना है। नेक्स्ट पॉइंट इज यूज अ ज़ेब्रा क्रॉसिंग टू क्रॉस द रोड। रोड को क्रॉस करने के लिए हमेशा हमें ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे ही क्रॉस करना चाहिए। थर्ड पॉइंट इज इफ देयर इज नो ज़ेब्रा क्रॉसिंग। अब ये मान लेते हैं ज़ेब्रा क्रॉसिंग भी नहीं है वहां पे, फिर क्या करना चाहिए। फर्स्ट लुक लेफ्ट, तो लेफ्ट की तरफ देखें, एंड राइट, फिर राइट की तरफ देखें। फॉर एनी व्हीकल्स, तो आपको क्या देखना है लेफ्ट और राइट में। पहले लेफ्ट में देखना है कोई व्हीकल तो नहीं आ रही है, फिर राइट में देखना है कि क्या राइट से कोई व्हीकल आ रही है। एंड क्रॉस द रोड व्हेन इट इज सेफ। अगर दोनों ही तरफ से व्हीकल नहीं आ रही है तो आपको उस टाइम पे रोड को क्रॉस करना है। नेक्स्ट इज फॉलो द ट्रैफिक लाइट्स। आपने देखा होगा रोड पे रेड ग्रीन येलो ऐसे जो है ट्रैफिक लाइट्स आपको दिखाई देते हैं, तो ऑलवेज फॉलो द ट्रैफिक लाइट्स। Always get in a bus in a queue. Queue means line. तो जब भी आप बस में जाएं, आप ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो हमेशा लाइन बनाएं और लाइन से ही बस में जाएं। Do not run or play on the road. रोड पे ना तो रन करना है और ना ही खेलना है, जैसे ये बच्चा कर रहा है, रोड पे खेलते नहीं हैं। Never try to overtake other vehicles. जो दूसरे vehicles से उन्हें overtake करने की कोशिश ना करें। Or to cross the road between other vehicles. रोड को क्रॉस कर रहे हैं दो vehicles के बीच में से, तो ये भी हमें नहीं करना चाहिए। Never travel on the footboard of अ मूविंग बस। तो आपने देखा होगा बस में नीचे जो सीढ़ियाँ बनी रहती हैं उन्हें कहते हैं फुटबोर्ड, जिस सीढ़ियों से आप ऊपर बस में चढ़ते हो। तो वी शुड नेवर ट्रैवल ऑन द फुटबोर्ड। फुटबोर्ड पे खड़े होकर ट्रैवल नहीं करना चाहिए। ऑलवेज गेट इन द बस व्हेन इट इज नॉट मूविंग। जब बस रुकी हुई है तभी बस में हमें चढ़ना है, नहीं तो नहीं चढ़ना है। चलते हुए बस में नहीं चढ़ना है, हम गिर सकते हैं, चोट लग सकती है। राइड योर बाइसिकल ऑन द साइकिल ट्रैक। आपकी जो बाइसिकल है
उसको राइड करें, कहाँ पे साइकिल का जो ट्रैक बना है वहाँ पे ही साइकिल चलाएं। इफ देयर इज नो साइकिल ट्रैक राइड टू द लेफ्ट ऑफ द रोड। अब अगर आपके साइकिल ट्रैक नहीं बना हुआ है तो क्या करना है आपको, रोड के लेफ्ट साइड से ही जाना है, ना कि बीच से और ना ही राइट साइड से, हमेशा लेफ्ट साइड से ही जाना है। क्लियर चिल्ड्रेन? सो दीज आर अ फ्यू ट्रैफिक रूल्स। क्यों बने ये रूल्स? ताकि आप सेफ रह सकें। इफ एन एक्सीडेंट हैज अकर्ड, अगर मान लो कोई एक्सीडेंट हो जाता है ऑन द रोड, रोड पे, यू कैन हेल्प द विक्टिम। आपको क्या करना है, जिसका भी एक्सीडेंट हुआ उसकी आप हेल्प कर सकते हैं। फॉर दिस यू शुड शाउट टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ द पीपल। ऐसे में क्या करना है, आप जो चिल्ला सकते हैं ताकि बाकी लोग भी वहां पे इकट्ठे हो जाएं। यू कैन कॉल द पुलिसमैन और द डॉक्टर इफ देयर इज वन नियर बाय। आपको पुलिस को फोन लगाना चाहिए या फिर किसी डॉक्टर को, जो भी वहाँ आसपास आपको मिल जाए। सो दिस शुड बी फॉलोड इफ यू सी एन एक्सीडेंट। नाउ क्विकली लेट्स मूव टू बुक एक्सरसाइज। हियर द फर्स्ट एक्सरसाइज इज टेक द करेक्ट ऑप्शन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज रूल्स आर फॉर आवर सेफ्टी। जो रूल्स बनते हैं क्या वो हमारी सेफ्टी के लिए होते हैं? यस, नो, कांट से। सो द आंसर इज यस, रूल्स हमारी सेफ्टी के लिए बनते हैं। नेक्स्ट इज वी शुड फॉलो द डैश द रोड। हमें क्या फॉलो करना चाहिए, रूल्स ऑफ द रोड, व्हीकल्स ऑन द रोड, नन ऑफ दीज। सो वी शुड फॉलो द रूल्स of the road. So let's write here rules of the road. Next third one, always walk on the, कहाँ पे चलना चाहिए, road, footpath or both, दोनों जगह चलना चाहिए। So we should always walk on the footpath, beach road पे नहीं चलना चाहिए। Clear? Now let's move to true or false. Always walk on the left side of the road. Road ke left pe chalna chahiye kya? Yes. True. A child can play football on the road. Ek bachcha kya football khel sakta hai road pe? No. False. Nahi khelna chahiye. You can help a road accident victim. Aap ek रोड एक्सीडेंट विक्टिम की हेल्प कर सकते हो। यस, वी शुड डू इट। सो इट इज ट्रू। ऑलवेज गेट इन द बस इन अ क्यू। बस में हमेशा लाइन में जाएं। सो इज इट करेक्ट? यस, दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट। सो दीज वर द आंसर्स चिल्ड्रन। Now let's move on to the next exercise, which is fill in the blanks. First one is most of the accident occur due to, जो ज्यादातर accident होते हैं वो किस वजह से होते हैं? Carelessness। अगर हम carefully जो है काम करें तो accident ना हो। So we will write here carelessness. Use the dash to cross the road. Road को cross करना है तो कहाँ से जाना चाहिए हमें? Zebra crossing. It is zebra crossing. Next, never travel on a footboard of a dash bus, of a moving bus. चलती हुई बस के फुटबोर्ड पे नहीं खड़े होके ट्रैवल करना चाहिए। इफ यू आर राइडिंग अ बाइसिकल यूज द डैश ट्रैक। अगर आप बाइसिकल को राइड कर रहे हैं तो हमें क्या यूज करना चाहिए, हमें साइकिल ट्रैक यूज करना चाहिए। क्लियर चिल्ड्रेन? सो दीज वर द फिल इन द ब्लैंक्स।
So children, with this we have completed the chapter. I hope you understood it, and you have to stay tuned for the next video.